السلام عليكم ورحمة الله. हिजरत के बाद के इब्तदाई हालात, जंग बदर के असबाब और कुफार मक्का की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ अमल और उनके बद मनसूबों को रोकने के लिए जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार्रवाई फरमाई, उसका कुछ ज़िक्र हुआ था। अब जंग बदर से कबल कुछ सराया और वजवात भी हुए, उनका मुसलसलन ज़िक्र पहले करूँगा, फिर कुफार मक्का की जंग के लिए तैयारी के कुछ हालात भी बयान करूँगा इंशाल्लाह। सरिया हज़रत हमज़ा, ये पहला सरिया था जो रमज़ान 1 हिजरी में हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजा उसे सरिया सैफुल बहर कहते हैं। इसका झंडा सफ़ेद था और इसके अलमबरदार अबू मरसद फनवी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये सरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान सन 1 हिजरी में भेजा और अपने चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को इसका अमीर बनाया। इनके साथ 30 मुहाजर सवार थे। ये लोग ईस के अतराफ में बहरे आमर के साल तक गए और कुरैश का एक काफ़िला जो अबू जहल की सरकर्दगी में शाम से आ रहा था उससे सामना हुआ। ईस राविक के शुमाल में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जो सनियतुल मरा के नवाब में है और मदीना मुनव्वरा से राबिक का फासला तकरीबन 240 किलोमीटर है। यहाँ जनाबा तुल ईस नामी एक चश्मा था जिसके इर्द गिर्द कीकर वगैरह के दरख्तों की कसरत थी, इस वजह से उसे ईस कहा जाता है। यहाँ बनू सुलैम आबाद थे। शाम जाने वाले कुरैश के तजारती काफ़िले इधर से गुजरते थे। बहरहाल दोनों फरीक सफ़ा राह हो गए, आमना सामना हो गया और करीब था कि जंग हो जाती, लेकिन कबीले के एक रईस ने बीच बचाव करवा दिया और दोनों फरीक वापस चले गए। फिर सरिया उबैदा बिन हारिस है, शवाल सन 1 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन हारिस को 60 मुहाजरीन की कमान देकर राबिक के करीब सनियतुल मरा इधर रवाना किया। वहाँ अबू सुफियान और इसके 200 सवारों से इनका आमना सामना हुआ। दोनों तरफ से चंद तीर चलाए गए मगर बाकायदा लड़ाई नहीं हुई। साद बिन अबी वकास ने उस दिन सबसे पहले तीर चलाया। इससे पहले कभी मुसलमानों और मुशरकीन के दरमियान तीरंदाजी भी नहीं हुई थी। गोया ये इस्लामी तारीख का पहला तीर था जिस पर साद को बजा तौर पर फख्र था। फिर फरीकैन वापस अपने अपने इलाके में चले गए। सनियतुल मरा जो है ये राबिक शहर के शुमाल मशरक में तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पर है और मदीना मुनव्वरा से इसका फासला 200 किलोमीटर है। फिर सरिया हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये सन 1 हिजरी और बाज के बकौल सन 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को 20 आदमियों का अमीर बनाकर रवाना किया और हुक्म दिया कि वह खरार वादी से आगे ना जाएं। वो पैदल चलते गए, दिन को छुपे रहते और रात को सफ़र करते, यहाँ तक कि वह खरार तक पहुँच गए। उनका मकसद कुरैश के तजारती काफ़िले को रोकना था, लेकिन जब ये दस्ता खरार पहुँचा तो उन्हें पता चला कि काफ़िला कल यहाँ से गुजर गया है, लिहाजा वो बग़ैर किसी तसादुम के वापस आ गए।
خرار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے معنی ہیں آواز کے ساتھ بہنے والا پانی, اور خرار حجاز کے علاقے میں جفہ کے نزدیک کی جگہ کا نام ہے. پھر غزوہ ودان یا غزوہ ابوا سفر 2 ہجری کا ہے. سفر سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 مہاجرین کے ساتھ ابوا یا ودان کی طرف گئے. مورخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ نفیس شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا. آپ ابوا کے مقام تک پہنچے. آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا, لیکن وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا. یہاں آپ نے بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ معاہدہ صلح کیا. معاہدہ یہ ہوا کہ آپ بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے, اور نہ بنو زمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے, نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے, اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے. اس سفر میں آپ مدینہ سے 15 دن باہر رہے. ودان جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے. ابوا سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ مدفون ہیں. جوفہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے. یہ جو جگہوں کے نام اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ بعض احمدی وہاں سفر کرنے والے جو ہیں, عمرہ کرنے والے عمرہ بھی جاتے ہیں, وہ تاریخ سے واقفیت کی وجہ سے ان جگہوں پر بھی جانا چاہتے ہیں, تو تعارف ذرا ہو جاتا ہے ان جگہوں کا. غزوہ بوات یہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا, اور اپنے 2 صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے. اس قافلے میں امیہ بن خلف بھی موجود تھا, اور 100 دیگر قریشی تھے, اور 2500 اونٹ تھے. آپ رضوا کے نوا میں بوات پہنچے, مگر وہاں کسی سے سامنا نہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے. اس غزوے میں جھنڈے کا رنگ سفید تھا, جسے سعد بن ابی وقاص نے اٹھا رکھا تھا. بوات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جہینہ قبیلے کے 2 پہاڑ ہیں جو مکے سے شام جانے والی راستے پر واقع ہیں. ان کے ساتھ رضوہ کا مشہور پہاڑ ہے. مدینہ سے بوات کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے. غزوہ عشیرہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے سے نکلا ہے, اور مکے والوں نے اس تجارتی قافلے میں اپنا سارا مال لگا دیا تھا, اس لیے کہ جو منافع ہو وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت الاولیٰ, یا ایک روایت کے مطابق جماعت الثانیہ 2 ہجری میں مدینہ سے 150 یا 200 افراد کے ساتھ عزم سفر ہوئے. جب آپ عشیرہ مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آپ کے پہنچنے سے چند روز پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے. مکے اور مدینہ کے درمیان بنو مدلج کے علاقے میں جمبو کے نواح میں ایک مقام کا نام عشیرہ تھا. آپ نے چند روز وہاں قیام فرمایا, اور بنو مدلج اور بنو زمرہ میں سے اس کے حلیفوں سے صلح کا معاہدہ کیا, اور اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے. یہ قریش مکہ کا وہی تجارتی قافلہ تھا جس کی شام سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کے تعاقب میں نکلے تھے, اور بدر کا معرکہ پیش آیا تھا. غزوہ بدر الاولیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عشیرہ سے مدینہ تشریف واپس تشریف لائے, ابھی 10 روز بھی نہ گزرے تھے کہ قرظ بن جابر نے
مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب صفوان نامی وادی میں پہنچے. صفوان بدر کے نواح میں ایک وادی ہے, لیکن قرظ بن جابر تیزی سے آگے نکل گیا اور آپ اسے نہ پا سکے. اس غزوے کو غزوہ بدر الاولی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے. بدر الاولی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بدر کے ایک جانب صفوان مقام تک مسلمانوں کا لشکر پہنچا تھا. سیرۃ الانبیاء میں اس بیان ہوا ہے. قرظ بن جابر کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو تفصیل لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرظ بن جابر کا یہ حملہ ایک معمولی بدویانہ غارت گری نہیں تھی, بلکہ یقیناً وہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف خاص ارادے سے آیا تھا. بلکہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کی ہو, مگر مسلمانوں کو ہوشیار پا کر ان کے اونٹوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا نکل گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مدینے پر چھاپے مار مار کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد پہ سیف کی اجازت ہو چکی تھی اور انہوں نے خود حفاظتی کے خیال سے اس کے متعلق ابتدائی کارروائی بھی شروع کر دی تھی, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کفار کو عملاً کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچا تھا. لیکن قرظ بن جابر کے حملے سے مسلمانوں کو عملاً نقصان پہنچا. گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کا چیلنج قبول کر لیے جانے کے بعد بھی عملی جنگ میں کفار ہی کی پہل رہی. پھر سریہ عبداللہ جہاش رضی اللہ عنہ مکے کے قریب وادی نخلا میں, یہ سریہ ہے, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جہاش کو 8 مہاجرین کے ہمراہ روانہ فرمایا. ان میں انصار کا کوئی شخص نہ تھا, اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا اور ہدایت فرمائی کہ اس خط کو 2 دن سفر طے کرنے کے بعد دیکھنا اور اس میں دیے گئے حکم کے مطابق عمل کرنا, اور اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا. جب حضرت عبداللہ بن جہاش نے 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ حکم نامہ کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم میرے اس خط کو کھول کر دیکھو تو اپنا سفر جاری رکھو یہاں تک کہ مقام نخلا میں جو طائف اور مکے کے درمیان ہے جا پہنچنا, اور وہاں قریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا. جب حضرت عبداللہ بن جاش نے یہ تحریر دیکھی تو کہا, مجھ پر سننا اور اطاعت کرنا واجب ہے. پھر اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلا کی طرف جاؤں اور وہاں قریش کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حالات سے آگاہ کروں, اور مجھے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کروں. بس جو تم میں سے شہادت کی آرزو رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے, اور جو واپس جانا پسند کرے وہ چلا جائے. مگر ان کے ساتھیوں میں سے کوئی واپس نہ پلٹا اور سب حجاز کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں ایک مقام پر حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا. وہ دونوں اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے, جبکہ حضرت عبداللہ بن جاش باقی ساتھیوں کے مقام نخلا میں پہنچ گئے باقی ساتھیوں کے ساتھ مقام نخلا میں پہنچ گئے وہاں قریش کے قافلہ کا گزر ہوا جو کشمش, چمڑا اور قریش کا سامان تجارت اٹھائے جا رہا تھا. اس قافلہ میں عمر بن حضرمی بھی شامل تھا. جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے. حضرت عکاشہ بن میسن ان کے سامنے ظاہر ہوئے, انہوں نے اپنا سر منڈوا رکھا تھا. کفار ان کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے,
कुछ डर की बात नहीं, ये लोग उम्रा करने जा रहे हैं। फिर मुसलमानों ने वहाँ मशवरा किया कि आज रजब का आखिरी रोज़ है, अगर हम इनसे लड़ते हैं और इनको कत्ल करते हैं तो ये महीना हुरमत वाला है, और अगर आज इंतज़ार करते हैं तो रातों रात ये हदूद हरम में दाखिल होकर फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। आखिरकार सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि काफ़िले पर हमला कर दिया जाए। ये तफसीर पहले बयान एक दो हो चुकी है सहाबा के ज़िक्र में। हज़रत वाकिद बिन अब्दुल्ला तमीमी ने एक तीर अमर बिन अदरमी के ऐसा मारा जिसे वो मर गया और दो आदमियों को मुसलमानों ने कैद कर लिया जबकि एक भागने में कामयाब हो गया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश ऊँटों और उन दोनों कैदियों को लेकर मदीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश ने मदीना जब अब्दुल्ला बिन जाश मदीना में आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैंने तुम्हें यह हुक्म तो नहीं दिया था कि तुम हुरमत वाले महीने में जंग करो, और आपने ऊँटों और दोनों कैदियों को ठहरा दिया और उनमें से कोई चीज़ भी कबूल करने से इनकार कर दिया। ये जो कहते हैं कि माल लूटना मकसद था, माल लूटना मकसद नहीं था, नहीं तो आप इनको शाबाश देते कि तुमने अच्छा किया, आपने फरमाया तुमने वाला गलत काम किया। दूसरी तरफ कुरैश ने भी शोर मचाया कि मुसलमानों ने शहर हराम की हुरमत को तोड़ दिया है, और चूँकि जो शख्स मारा गया था यानी अमर बिन हदरमी वो एक रईस आदमी था और फिर वो उत्बा बिन रबिया रईस मक्का का हलीफ भी था, इसलिए इस वाक़े ने कुरैश की आतिश गज़ब को बहुत भड़का दिया और उन्होंने आगे से भी ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मदीने पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। चुनांचे जंगे बदर ज़्यादातर कुरैश की इस तैयारी और जोश दावत का नतीजा था। अलगरज इस वाक़े पर मुसलमानों और कुफार हर दो में बहुत सी बातें हुईं और बिलाखर ज़ैल की कुरानी वही नाजिल होकर मुसलमानों की तशफ़ी का मूजिब हुई। अल्लाह ताला फरमाता है यसलूना का अन शहर अलहराम क़िताल फ़ी कुल क़िताल फ़ी है कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बही वल मस्जिद अलहराम व इखराज अहले ही मिनहु अकबरो इंदल्लाह वल फितना तो अकबरो मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनकुम इन इस्तताउ। यानी लोग तो इसे पूछते हैं कि शहर हराम में लड़ना कैसा है, तो इनको जवाब दे कि बेशक शहर हराम में लड़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन शहर हराम में खुदा के दीन से लोगों को जबरन रोकना, बल्कि शहर हराम और मस्जिद हराम दोनों का कुफ्र करना यानी उनकी हुरमत को तोड़ना और फिर हरम के इलाके से इसके रहने वालों को बज़ोर निकालना जैसा कि मुशरिकों तुम लोग कर रहे हो, ये सब बातें खुदा के नज़दीक शहर हराम में लड़ने की नस्बत भी ज़्यादा बुरी हैं। और यकीनन शहर हराम में मुल्क के अंदर फितना पैदा करना इस कत्ल से बदतर है जो फितना को रोकने के लिए किया जावे। और ऐ मुसलमानों, कुफार का तो ये हाल है कि वो तुम्हारी अदावत में इतने अंधे हो रहे हैं कि किसी वक्त और किसी जगह भी वो तुम्हारे साथ लड़ने से बाज नहीं आएंगे, और वो अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे हत्ता कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें, बशर्ते कि वो इसकी ताकत पाएँ। और अल्लाह ताला के लम्ज़ था कि कुफार मुसलमानों को दीन से फेरने के लिए कोशिश करते रहेंगे, और इसलिए जो उस वक्त अमल हुआ उस पर अल्लाह ताला ने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। चुनाचे तारीख से साबित है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ रोसाए कुरैश अपने खूनी प्रोपेगंडे को अशर हुरम में बराबर जारी रखते थे, बल्कि अशर हुरम के इज्तमाओं और सफ़रों से फ़ायदा उठाते हुए वो इन महीनों में अपने मुसदाना कार्रवाइयों में और भी ज़्यादा तेज़ हो जाते थे, और फिर कमाल बेहयाई से अपने दिल को झूठी तसली देने के लिए वो इज़्ज़त के महीनों को अपनी जगह से इधर उधर मुंतकिल भी कर दिया करते थे, जिसे वो नसी का नाम से पुकारते थे। बस इस जवाब से मुसलमानों की तसली होनी ही थी, कुरैश को भी कुछ ठंडे कुरैश भी
कुछ ठंडे पड़ गए, उनको पता लग गया कि वही हुई है। इस दौरान में उनके आदमी भी अपने दो कैदियों को छुड़वाने के लिए मदीना पहुँच गए, लेकिन चूँकि अभी तक सात बिन अबी वकास और उतबा वापस नहीं आए थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुतल्लिक सख्त खदशा था कि अगर वो कुरैश के हाथ पड़ गए तो कुरैश उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वापसी तक कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मेरे आदमी बखैरियत मदीना पहुँच जाएँगे तो फिर मैं तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूँगा। चुनाँचे जब वो दोनों वापस पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया लेकर दोनों कैदियों को छोड़ दिया। ग़ज़वा बदरुल कुबरा, कुरान करीम में इस ग़ज़वे को यौमुल फुरक़ान करार दिया गया है। तकरीबन सी अव्वल इतला अनहो बयान फरमाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुरक़ान जंग बदर का दिन था, जिस दिन के मुखालफों की ज़बरदस्त ताकत वाले इस सरगरोह के हलाक हुए और मुसलमानों को फतह और गलबा हासिल हुआ। अस्खलीफ़ से अव्वल एक और मुकाम पर लफ्ज़ फुरक़ान का मतलब बयान करते हुए फरमाते हैं, क़ुरान से मुझे इसके ये मानी मालूम हुए हैं कि फुरक़ान नाम है उस फतह का जिसके बाद दुश्मन की कमर टूट जाए, और ये बदर का दिन था। इस ग़ज़वे को बदर सानिया या बदरुल कुबरा, बदरुल उज़्मा और बदरुल किताल भी कहा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान कुरैश का तजारती काफिला लेकर शाम से वापस आ रहा है, जिसमें 1,000 ऊँट हैं। इसमें कुरैश का बहुत बड़ा सरमाया था और अगर किसी के पास एक मिसकाल यानी 4-5 माशे भी सोने के वजन के बराबर कुछ सोना था या माल था तो उसने वो माल भी इस काफिले में लगा दिया था। कहा जाता है कि इसमें एक कसीर रकम का सरमाया था। इस काफिले में 30-40 या एक रवायत मुताबिक 70 आदमी थे। ये वही काफिला था जिसके ताकुब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी निकले थे और मुकाम उशैरा तक पहुँच गए थे, लेकिन ये काफिला शाम की जानब जा चुका था। इस मुहिम के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादुल उला या जमादुल आखिरा 2 हिजरी को रवाना हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले की वापसी की इत्तला पाकर मुसलमानों को अपने साथ निकलने की दावत दी और फरमाया कि ये कुरैश का तजारती काफिला है जिसमें उनके अम्वाल हैं, बस तुम निकलो, शायद अल्लाह तुम्हें माल गनीमत से नवाजे। बाज़ लोग जो सिर्फ़ एतराज़ का मौका ढूंढने के आदी होते हैं या कम इलम होते हैं, वो एतराज़ करते हैं कि मुसलमानों ने मदीने जाकर गोया लूट मार शुरू कर दी थी और बतौर मिसाल इसी काफिले का ताकुब करना पेश कर देते हैं, जो कि सरासर नादानी और जहालत की बात है और इस वक्त के जंगी हालात से नावाकफियत का नतीजा है, क्योंकि कुरैश के इस तजारती काफिले को रोकना कोई काबिल एतराज अमर नहीं था। चुनाचे शीर साहब ने इसकी तफसील बयान की है सीरत खातमुन नबीयीन में कि काफिला की रोकथाम के लिए निकलना हरगिज़ काबिल एतराज़ नहीं था, क्योंकि अव्वल तो ये मखसूस काफिला जिसके लिए मुसलमान निकले थे ये गैर मामूली काफिला था जिसमें कुरैश के हर मर्द का तजारती हिस्सा था, हर मर्द और औरत का, जिससे मालूम होता है कि इसके मुतल्लिक रउसाए कुरैश की यह नीयत थी कि इसका मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने में इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाचे तारीख से साबित है कि यही मुनाफा जंग उहद की तैयारी में सर्फ किया गया। बस इस काफिले की रोकथाम तदाबीर जंग का ज़रूरी हिस्सा थी। दूसरे आम तौर पर भी कुरैश के काफिलों की रोकथाम इसलिए ज़रूरी थी कि चूँकि ये काफिला मुसल्ला होते थे और मदीने से बहुत करीब होकर गुजरते थे, इनसे मुसलमानों को हर वक्त ख़तरा रहता था, इसका सद्देबाब ज़रूरी था। तीसरे, ये काफिला काफिले जहाँ जहाँ से भी गुज़रते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कबाइल अरब में सख्त इश्तियाल अंगेज़ी करते फिरते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की हालत नाजुक हो रही थी। बस इनका रास्ता बंद करना दिफा और ख़ुद हिफाजती के प्रोग्राम का हिस्सा था। चौथे, कुरैश का गुजारा ज़्यादातर तजारत पर था, इसलिए इन काफिलों को रोकथाम ज़ालिम कुरैश को होश में लाने और उनको उनकी जंगी कार्रवाइयों से बाज रखने
और सुलह और क़याम अमन के लिए मजबूर करने का एक बहुत उमदा ज़रिया था। आजकल के ज़माने में इस तरह जंगों को रोकने के लिए बाज़ मुल्क सेंक्शन लगाते हैं, वो भी गलत लगा देते हैं सेंक्शन और ज़ुल्म से लगाते हैं, लेकिन ये भी उसी तरह की एक अमल था सेंक्शन लगाने वाला। और फिर इन काफ़िलों की रोकथाम के गरज लूटमार नहीं थी, बल्कि जैसा कि कुरान शरीफ सराहतन बयान करता है, ख़ुद इस ख़ास मुहिम में मुसलमानों को काफ़िले की ख्वाहिश उसके अम्वाल की वजह से नहीं थी, बल्कि इस वजह से थी कि इसके मुकाबले में कम तकलीफ़ और कम मुशक्क़त का अंदेशा था। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले की खबर रसानी की गरज से अपने दो सहाबा हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला और हज़रत सईद बिन ज़ैद को आगे रवाना कर दिया। ये दोनों असहाब मदीना से रवाना हो गए, और जब काफ़िले से मुतल्लिक ख़बरें मालूम करने के बाद मदीना वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो चुके हैं। चुनांचे ये दोनों बदर की जानिब रवाना हुए, मगर रास्ते में उनकी मुलाकात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त हुई जब आप ग़ज़वा बदर से फारग होने के बाद वापस तशरीफ ला रहे थे, इसलिए ये दोनों असहाब ग़ज़वा बदर में शामिल तो ना हो सके, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी माल गनीमत का हिस्सा निकाला। दूसरी तरफ अबू सुफियान को उसके जासूसों की तरफ से ये खबर मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर उसके तजारती काफ़िले पर हमला करने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह भी कहा जाता है कि अबू सुफियान को एक आदमी मिला था जिसने उसे बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से इस काफ़िले का रास्ता रोकना चाहते थे, और ये कि अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में इस काफ़िले की वापसी का इंतज़ार करते छोड़ा है। ये खबर सुनकर अबू सुफियान बहुत खौफज़दा हुआ, और उसने जमजम बिन अमर रिफारी नामी एक आदमी को कुछ उजरत देकर मक्के की जानिब रवाना किया, और उससे कहा कि वो मक्का जाकर उन्हें बताए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ तुम्हारे काफ़िले पर हमला के लिए निकल पड़ा है। चुनाचे जमजम नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ रवाना हो गया। जब वो सुफियान का ये कासिद मक्का पहुंचा, तो उसने अरब के दस्तूर के मुताबिक एक नहायत वहशतज़दा हालत बनाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि ए अहले मक्का, तुम्हारे काफ़िले पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके असहाब हमला करने के लिए निकले हैं, चलो और उसे बचा लो। दूसरी तरफ अबू सुफियान बड़ी होशियारी के साथ मालूमात लेते हुए मुसलमानों के लश्कर से बचते हुए सफ़र जारी रखे हुए था। वो बदर के चश्मे पर पहुंचा तो उसने वहाँ एक शख्स से पूछा कि यहाँ कोई नज़र आया तुम्हें? उसने कहा यहाँ दो बंदे आए थे और उस टीले के करीब अपने ऊँट बिठाए और पानी लेकर चले गए। अबू सुफियान ऊँटों वाली जगह पर गया, वहाँ ऊँटों की मैंगनियाँ पड़ी हुई थी, उसने एक उठाई और उसको तोड़ा तो उसमें खजूर की गुठली थी। इसने देखकर कहा कि ये यसरब का चारा है, और समझ लिया कि मदीने वाले इसके करीब ही कहीं हैं। चुनांचे वो तेज़ी से अपने काफ़िले की तरफ वापस आया और अपने साथियों को मारूफ रास्ते से हटाकर साले समुंदर की तरफ निकल गया, और बदर को एक तरफ छोड़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गया। इस बारे में आतका बिन अब्दुल मुतलिब का एक अजीब ख्वाब भी है और बड़ा सच्चा साबित हुआ ख्वाब। वो ख्वाब इस तरह है कि आतका बिन अब्दुल मुतलिब, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की वालदा थीं, उनके इस्लाम लाने के बारे में दोनों तरह की आरा हैं। बाज़ के नज़दीक उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अक्सर के नज़दीक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बहरहाल इन्होंने अबू सुफियान के कासिद जमजम के मक्का पहुंचने से पहले तीन रात पहले एक ख्वाब देखी थी जिसने उन्हें खौफज़दा कर दिया। उन्होंने अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब को बुला भेजा और कहा कि ऐ भाई, बखुदा
मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया। मुझे ये अंदेशा है कि तुम्हारी कौम को ज़रूर कोई आफत या मुसीबत पहुँचने वाली है। तुम इस राज को पोशीदा रखना जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। एक रिवायत में है कि आका ने अब्बास से कहा कि जब तक तुम मुझसे ये अहद नहीं करोगे कि तुम इस बात का किसी से ज़िक्र नहीं करोगे, इस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं बतलाऊँगी, क्योंकि अगर कुरैश मक्का ने ये बात सुन ली तो वो हमें परेशान करेंगे और हमें बुरा भला कहेंगे। चुनाचे हज़रत अब्बास ने इनसे अहद किया। बहरहाल फिर हज़रत अब्बास ने पूछा कि तुमने क्या देखा है। आतका ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊँट पर सवार आया और अबता के मैदान में खड़ा हो गया। मक्का और मीना दोनों का को अबता कहा जाता है और मीना के ज़्यादा करीब है ये। फिर उसने बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा, ऐ लोगो, अपने कत्लगाहों की तरफ 3 दिन के अंदर अंदर चले आओ। आतका बयान करती हैं कि फिर मैंने देखा कि लोग उस शख्स के पास जमा हो गए। फिर वो मस्जिद यानी खाना काबा में दाखिल हुआ, लोग उसके पीछे चिपचिपे थे। इस दौरान कि लोग उसके गिर जमा थे, मैंने देखा कि उसका ऊँट उसको लेकर काबे की छत पर खड़ा है। फिर उसने इसी तरह चीख कर कहा, ऐ लोगो, अपनी कत्लगाहों की तरफ 3 दिन के अंदर अंदर चले जाओ। फिर मैंने देखा कि उसका ऊँट उसको जबल अबू कुबैस की चोटी पर लेकर खड़ा हो गया। कोहे अबू कुबैस के बारे में लिखा है कि मक्के के मशरिक में एक मशहूर पहाड़ का नाम है। फिर वहाँ से भी इस तरह बुलंद आवाज़ में पुकारा। फिर उसने एक पत्थर उस पहाड़ में से नीचे लुढ़का दिया और नीचे पहुँचते ही वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया और मक्के के घरों में से कोई घर और कोई मकान ऐसा बाकी न रहा जिसमें इस पत्थर का एक टुकड़ा ना गया हो। यह सुनकर अब्बास ने आतका से कहा, बखुदा ये ख्वाब तो बड़ा अहम है, तुम खुद भी इसको पोशीदा रखना और इसका ज़िक्र किसी से न करना। इसके बाद हज़रत अब्बास आतका के घर से निकले और रास्ते में वलीद बिन उतबा से मिले। ये हज़रत अब्बास का दोस्त था, खुद तो अपनी बहन को कह दिया कि ना जिक्र ना करना, लेकिन उन्होंने वलीद से इस ख्वाब का जिक्र कर दिया। अलबत्ता हज़रत अब्बास ने इसको मना कर दिया कि किसी से इसका जिक्र ना करना, लेकिन एक दफ़ा जब बात निकले तो फिर तो निकल जाती है। वलीद ने अपने बाप उतबा से इसका जिक्र कर दिया। इस तरह ये बात मक्के में फैल गई और जहाँ दो आदमी बैठते इसी ख्वाब का जिक्र करते। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगले रोज़ सुबह जब मैं खाना काबा में तवाफ़ करने के लिए गया तो वहाँ अबू जहल कुरैश के चंद लोगों के साथ बैठा हुआ था। मुझे देख कर कहने लगा कि ए अबुल फजल, यह तो अब्बास की कुनियत है कि तवाफ़ से फारग होकर ज़रा मेरे पास से होते जाना। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं तवाफ़ से फारग होकर उसके पास गया तो अबू जहल ने मुझसे कहा, ए बनू अब्दुल मुतलिब, तुम में नबिया कब से पैदा हो गई? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा कि तुम्हारे मर्दों ने तो नबूवत का दावा किया था, यानी आम सलम की तरफ इशारा किया, अब तुम्हारी औरतें भी नबूवत का दावा करने लगी हैं। ये आतका ने क्या ख्वाब देखी है? हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा, उसने क्या ख्वाब देखी? अबू जहल ने कहा, वो कहती है कि मैंने एक शख्स को ऊँट पर आते देखा और उसने ये आवाज़ दी और फिर एक पत्थर पहाड़ पर से लुढ़काया। गर्ज़ के सारा ख्वाब बयान किया। फिर अबू जहल कहने लगा कि हम 3 रोज़ तक इंतज़ार करते हैं, अगर इसी तरह ख्वाब के मुताबिक ये वाक़या ज़ुहूर में आ गया तो ठीक है, वरना हम एक तहरीर लिखकर काबे में लटका देंगे कि तुम लोग तमाम अरब में सबसे ज़्यादा झूठे हो। अब्बास कहते हैं कि बखुदा मुझे बेबस होकर इस ख्वाब को झुटलाना पड़ा। उसको मैंने कह दिया कोई ख्वाब नहीं देखी उसने, और मैंने इस बात का इनकार कर दिया कि आतका ने कोई ख्वाब देखी। फिर हम सब लोग इस मजलिस से उठ गए और शाम को जब मैं घर गया तो बनू अब्दुल मुतलिब की तमाम औरतें मेरे पास आईं और मुझसे कहा
پہلے وہ خبیص فاسق تمہارے مردوں پر الزام تراشی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا, اب عورتوں کو بھی برا کہتا ہے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو اور اس کی بیہودہ گوئی کا کوئی جواب اس کو نہ دیا, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو خاندان کی عورتوں نے ان کو ذرا غصہ دلایا. عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا بخدا میں نے ایسا ہی کیا, میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں, اور اللہ کی قسم میں اب اس کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے پھر کوئی ایسی بات کہی تو میں اس کا کام تمام کرنے کے لیے تمہاری طرف سے اس کی تلافی کر دوں گا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ آج کا خواب کے تیسرے روز میں صبح گھر سے نکلا اور میں سخت غصے میں تھا کہ مجھ سے اس دن جو کوتاہی ہوئی آج اس کا بدلہ لوں گا. چنانچہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے ابو جہل کو دیکھا, وہ پھرتیلے بدن والا تیز زبان شخص تھا, بخدا میں اس کی طرف بڑھا تاکہ وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی بات کرے جیسی اس نے پہلے کی تھی اور میں اس کا حساب برابر کر دوں, لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل بھاگا ہوا مسجد یعنی کعبہ کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, اس کو کیا ہوا؟ کیا وہ اس خوف سے بھاگ گیا ہے کہ کہیں میں اسے برا بھلا نہ کہوں؟ لیکن در حقیقت وہ بات یہ تھی کہ اس نے زمزم بن عمر غفاری کی بلند آواز سن لی تھی جو مجھے سنائی نہ دی, اور وہ یعنی زمزم وادی کے درمیان اپنے اونٹ پر سوار ہو کھڑا بلند آواز سے پکار رہا تھا. اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے تھے, اپنے کجاوے کو الٹا کر دیا اور اپنی قمیض پھاڑ ڈالی تھی, اور وہ یہ پکار رہا تھا کہ قافلہ قافلہ, یعنی اپنے اس قافلے کو بچاؤ, اس پر تمہارے اموال تجارت لدے ہوئے ہیں جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا ہے, اس پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے چڑھائی کر دی ہے. میرے کہتے ہیں میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا اس نے کہا کہ چڑھائی کر دی ہے, میرے گمان میں بھی یہ نہیں کہ تم بر وقت پہنچ جاؤ گے, یعنی جس قدر ہو سکے وہاں پہنچنے میں جلدی کرو, مجھے نہیں لگتا کہ تم پہنچ سکو اس کی مدد کے لیے. بہرحال عباس کہتے ہیں کہ اس نئے حادثے نے مجھے بھی اور اسے بھی اس قدر مشغول کر دیا کہ ہم اس پہلی بات پر توجہ نہ دے سکے. دیکھا ہے کہ جب قریش مکہ نے زمزم کی پکار سنی تو بہت تیش میں آ گئے اور لوگوں کو جنگ کی تیاری کے لیے ابھارنے لگے. وہ کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ابن حضرمی کی تجارتی قافلے کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں, خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے. عمر بن حضرمی کے قافلہ اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل کا ذکر سریہ عبداللہ بن جاش میں گزر چکا ہے, پہلے میں نے بتایا ابھی, جس میں مسلمانوں نے نہایت آسانی سے ابن حضرمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے مال و سامان پہ قبضہ کیا تھا. بہرحال اب قریش مکہ تیاری کرنے لگے اور ہر کوئی جنگ کے لیے یا تو خود نکل رہا تھا یا اپنی جگہ اپنے خرچ پر کسی اور کو بھیج رہا تھا. ان کے ایک رئیس سردار نے کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سابی ساتھیوں اور اہل یثرب کو اس بات کی اجازت دے دو گے کہ وہ تمہارے مال لوٹ کے لے جائیں؟ جس شخص کو مال کی ضرورت ہو تو میرا مال اس کے لیے حاضر ہے, اور جس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ حاضر ہے, اور کسی نے 200 دینار, کسی نے 300 دینار, کسی نے 500 دینار دیے اور کہا کہ جہاں چاہو اور جیسے چاہو استعمال کرو. کسی نے 20 اونٹ جنگ کے لیے پیش کیے, بعض نے جنگ پر جانے والوں کے گھر والوں کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی, اور جو خود جنگ پر نہ جا سکا اس نے اپنی جگہ اپنے خرچ پر کسی دوسرے آدمی کو روانہ کیا, اور اس طرح 2 یا 3 دن میں جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی. یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے تو اعلان کیا تھا کہ فوری پہنچو, لیکن 2-3 دن انہوں نے جنگ کی خوب تیاری کی, اور یہ تیاری کرنا ہی بتاتا ہے کہ کفار جو تھے مکہ کے مسلمانوں سے باقاعدہ جنگ کا بہانہ تلاش کر رہے تھے. ورنہ اگر صرف قافلے کو بچانا مقصود ہوتا تو جو خبر جس طرح دی گئی تھی فوری طور پر پہنچ جاتے,
जिसके हाथ में जो हथियार आता लेके चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो काफिले के बजाय जंग के लिए तैयारी करके गए। फिर कुरैश के सरदारों के बारे में लिखा है कि कुरैश के 5 सरदार उमैया बिन खलफ, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, जमा बिन असवद और हकीम बिन हिजाम ने तीरों के ज़रिए कुरा डाला कि जंग पर जाना चाहिए या नहीं, जिससे इनकार वाला तीर निकला कि लोग जंग में ना जाएं, यानी वो तीर निकला जिस पर लिखा होता था कि मत करो। लिहाजा इन सब ने मिलकर फ़ैसला कर लिया कि ये लोग जंग में नहीं जाएंगे। मगर फिर इनके पास अबू जहल आया और उसने उन्हें ले जाने पर इसरार किया। इस सिलसिले में उकबा बिन अबू मुआयत और नज़र बिन हारिस ने भी अबू जहल का साथ दिया और उन लोगों को साथ ले जाने पर इसरार किया। उतबा और शैबा के ग़ुलाम ने उनसे कहा कि खुदा की कसम, आप दोनों जंग में नहीं बल्कि अपनी कत्लगाह में जा रहे हैं। इस पर इन दोनों ने जंग में ना जाने का फ़ैसला कर लिया था, मगर अबू जहल के इसरार इतना बड़ा अबू जहल का इसरार इतना बड़ा कि दोनों इस नीयत से सबके साथ जाने पर तैयार हो गए कि रास्ते से वापस आ जाएंगे। जंग के लिए कुफार की तैयारी और रवानगी की मज़ीद तफसील जो है और इसके वाक़ात हैं, इंशाल्लाह आइंदा बयान होंगे। काफ़ी तफसीली बात है। ولذكر الله أكبر.